हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो चका चेक। दोस्तों, MBA आज के समय में सबसे पॉपुलर कोर्स में से एक है। उसमें भी MBA में अब स्पेशलाइजेशन कोर्स होने लगा है, जैसे MBA इन मार्केटिंग, MBA इन ऑनलाइन फाइनेंस। दोस्तों, स्टूडेंट इन कोर्सेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है और वो ये कि इन कोर्स को करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है या कितनी मिल सकती है इसके बारे में बात करूंगा। तो अगर आप भी ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगा जो हर स्टूडेंट जानना चाहते हैं। दोस्तों, आप चाहे कोई भी कोर्स करें, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी ये कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर वो कंपनी किस लेवल की है। दोस्तों, इन तमाम बातों पर आपकी सैलरी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस क्या है, करियर स्कोप क्या है, फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, प्राइवेट जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इन पॉइंट को अच्छे से समझने के बाद आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस क्या है। दोस्तों, जब तक यह नहीं समझेंगे तब तक उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है यह समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, MBA इन फाइनेंस 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें आपको फाइनेंस मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बातें बताई जाती हैं, यानी कि किसी भी कंपनी का फाइनेंस से लेकर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ाई करवाई जाती है। जैसे इस कोर्स को करने के बाद अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको उसे कंपनी का जो पैसे का लेन देन होगा, जैसे इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस तरह से पैसे का इस्तेमाल करना है, यह तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसी को ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस कहते हैं। इसके बाद जानते हैं करियर स्कोप क्या है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे पहले तो यह कि आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जितने भी सरकारी नौकरी निकलती है उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। यह तो रही सरकारी नौकरी की बात, अब चलते हैं प्राइवेट नौकरी की ओर। तो दोस्तों, आज के समय में MBA प्रोफेशनल्स करने वालों की डिमांड न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ गई है। हर कंपनी को ऐसे प्रोफेशनल को हायर करना चाहती है जो उनकी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके, यानी कि कंपनी को कहाँ निवेश करना है, कहाँ निवेश करने से फायदा होगा, कहाँ निवेश करने से नुकसान होगा, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, इसमें जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी ज़्यादा है तो सैलरी भी उसी के हिसाब से होगी। दोस्तों, जहाँ तक इसमें सैलरी की बात करें तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। कई बार आपका ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल होता है, ऐसे में आपकी सैलरी लाखों में हो सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर आप ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस करते हैं तो आपको सरकारी से लेकर प्राइवेट जॉब तक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो देश में काम कर सकते हैं या चाहे तो विदेशों में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को करियर को लेकर चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद जानते हैं फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस कर लिया लेकिन आप फ्रेशर हैं तो ऐसे में आपकी सैलरी कितनी होगी, तो दोस्तों इसमें भी आपकी सैलरी कितनी होगी यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जहां पर फ्रेशर्स को कम सैलरी दी जाती है, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जहां पर फ्रेशर्स को भी ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप फ्रेशर्स के तौर पर कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 25,000 से 30,000 रुपये के बीच हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और यह सैलरी लाखों रुपए तक चली जाएगी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ UG, PG एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद AI मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको 2 विकल्प मिलते हैं, आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी
के अधिकारियों से बात कर सकते हैं या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर आपको एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, EMI फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फी के लिए भी आपको EMI का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर छात्रों को 10,000 तक सब्सिडी मिलेगी। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है और फिर आप नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज CV कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं प्राइवेट जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस अगर आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें प्राइवेट जॉब में ही रहती है और यह देखा भी गया है कि इस कोर्स को करने के बाद लोग प्राइवेट सेक्टर में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब की तरफ लोग नहीं जाते हैं, लेकिन MBA जैसे कोर्स करने के बाद सरकारी फील्ड में बहुत कम लोग जाते हैं। तो चलिए अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, MBA प्रोफेशनल्स को करियर के तौर पर अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में ही है जहां उन्हें काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। मोटे तौर पर एक अनुमान के मुताबिक अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 70,000 से 80,000 रुपये के बीच हो सकती है। दोस्तों, यह सैलरी वैसे प्रोफेशनल्स को मिलती है जिन्हें 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है, 12 साल से ज़्यादा है, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर आपका एक्सपीरियंस 12 साल से ज़्यादा है तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख तक मंथली भी हो सकती है। इसके बाद जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस करने के बाद जाते हैं तो फिर आपकी सैलरी कितनी होगी यह कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आप किस पोस्ट पर ज्वाइन कर रहे हैं, किस शहर में ज्वाइन कर रहे हैं, यह तमाम बातों को देखकर आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया है और आपकी पोस्टिंग किसी दूर दराज के इलाके में है तो आपकी सैलरी उसी के हिसाब से होगी। हालांकि सरकारी नौकरी में सुविधा होती है कि आपको रहने के लिए घर मिल जाता है या फिर दूसरी तरह की सुविधा भी मिलती है, जैसे ट्रेवल वगैरह अगर करना हो तो भी काफ़ी सुविधाएँ मिलती है। तो अगर सरकारी नौकरी में सैलरी की बात की जाए तो यह प्राइवेट जॉब से बिल्कुल अलग है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप सरकारी जॉब में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी करीब करीब 60,000 से 80,000 रुपए तक हो सकती है। हालांकि जो अलग सुविधा मिलती है उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अगर आप ऑनलाइन MBA इन फाइनेंस करते हैं तो आपकी सैलरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो कितनी हो सकती है। दोस्तों, आज के टाइम पर MBA बहुत से स्टूडेंट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे इसकी पढ़ाई भी उतनी ही कठिन होती है, तो आपको मेहनत भी उतना ही करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कीजिए। थैंक यू।